देखिए तमाड़ विधानसभा क्षेत्र पर अभी मौजूद हैं हम और यहाँ पर अनुमंडल पर कार्यालय के पास अभी हम पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ अभी नॉमिनेशन करके निकले हैं CPIM के सुरेश मुंडा जी, जो आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं और SDO बेसरा जी को जो है आज नामांकन पत्र जमा करके अभी बाहर निकले हुए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ समर्थक देख रहे हैं, इनको घेरे हुए हैं और घेर करके काफ़ी नाराबाजी कर रहे हैं इनके समर्थन में और फूल के माला से जो है काफ़ी जो है भरे हुए हैं। बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। बताया जाए कि आज का जो नॉमिनेशन है पूरा, आज हजारों की संख्या में भीड़ लेकर आए हैं, क्या सोच है, किस तरह से माइंड में चल रहा है? सोच हम लोग का स्पष्ट है, ये तमाड़ विधानसभा में किसान मजदूर को ताकत को बढ़ाने के लिए SDPM पार्टी जो है आज पर्चा दाखिल किया है। ये मैंने सभी मैंने मूल्यांकन करके हम स्पष्ट कर दे रहे हैं कि जनता का सहयोग और ये लाल झंडा का प्रयास ने ही जो है आज हम लोग उम्मीदवार बने हैं और उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किए हैं। जो क्षेत्र की क्षेत्र में घूम भी रहे हैं और काफ़ी बड़ा एक रैली भी आपने तमाड़ के मैदान में किया भी है, इसको लेकर अभी विधानसभा चुनाव में आप खुद कूद गए, एक INDI का जो धर्म था उससे आप लोग जो है अलग हो गए हैं, अब आप लोग अलग लड़ रहे हैं, तो अलग लड़ाई में आप लोग कितना सफल हो पाएंगे? देखिए अब जो है आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का सुप्रीमो से पूछिए, इस सवाल का जवाब जो है राजद का सुप्रीमो और कांग्रेस का सुप्रीमो सब पूछिए, ये स्पष्ट जवाब मिलेगा। नहीं तो जवाब हम आपसे भी लेना चाहेंगे, भी लेना चाहेंगे, लेकिन उनसे भी तो पूछेंगे, लेकिन आपसे भी जवाब लेना चाहेंगे। देखिए हम लोग से कोई बातचीत नहीं किया है, इंडिया गठबंधन का सवाल पर CPM से कोई बात नहीं किया है, इसलिए हम लोग का चूंकि पहले से ये तमाड़ विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, आज से नहीं 3 साल पहले से भी, 6 महीना पहले भी बोले हैं और 2 तारीख का जो बड़ा रैली था तमाड़ में जिला सम्मेलन के समय भी हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि हम लोग जो है ये तमाड़ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो बाकी इंडिया गठबंधन को वोटर को यही हम कहना चाहेंगे कि इस बार का जो चुनाव है इस चुनाव में लाल झंडा का समर्थन करें और उसका जो भी समस्या है उसका समाधान के लिए हम के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्योंकि सवाल है कि क्षेत्र को लेकर के भी आप लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, क्योंकि लोगों के साथ कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से स्थापित करेंगे? ठीक है, हम लोग का तो सीधा सीधी है कि मेहनत का जनता है, हमारा उसी आधार में मेरा पार्टी का संगठन है, तो हम पार्टी के संगठन के आधार पर जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं।